हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे सहजन की सरसों वाली मसालेदार सब्जी। सहजन की फली सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती है। मैं सहजन के सूप की वीडियो बना चुकी हूँ। उस वीडियो में मैंने सहजन में क्या क्या पाया जाता है और इसको खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं उस वीडियो में सब बताया है, और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर किया है। आप वहाँ जाके सहजन के सारे फ़ायदे देख सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो आइए बनाते हैं सहजन की सब्जी। सहजन की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम सहजन ली है और 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। अगर आप सहजन की सब्जी में आलू ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप 4 से 5 आलू ले सकते हैं। आलू को मैंने इस तरह से छील लिया है। अब आलूओं को हम इस तरह से 1.5 से 2 इंच की लंबाई में काट लेंगे। अब हम सहजन को इस तरह से काटेंगे। सहजन को इस तरह से छीलेंगे, फिर इसके भी 1.5 से 2 इंच लंबाई के टुकड़े काटेंगे। आप ऐसे छीलते हुए टुकड़े काटें सहजन की फली के, या पहले सहजन की फली को टुकड़ों में काट लें फिर आप इसको छीलें। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर लीजिए। देखिए, मैं सहजन की फली का टुकड़ा और आलू के टुकड़े को बराबर काट रही हूँ। यहाँ पर मैं सहजन को नए शेप में काटूंगी। मैं इस तरह से सहजन की फली को तिरछा तिरछा टुकड़ों में काट लेती हूँ, मैं उसके बाद छीलूंगी। इस तरह से काटने से सब्जी दिखने में भी बहुत यम्मी लगेगी। सभी सहजन की फली मैंने काट कर छिल कर तैयार कर ली है। देखिए इस शेप में सहजन की फली कटी हुई कितनी बढ़िया लग रही है। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, 4 हरी मिर्च ली हैं, 8 से 9 लहसुन की कलियाँ ली हैं, 1 टुकड़ा अदरक का लिया है, थोड़ा हरा धनिया लिया है, ये मैंने सरसों के दाने लिए हैं। ये मोटी वाली सरसों है, बारीक वाली छोटे दानों वाली राई मत लीजिएगा, ये मोटे दानों वाली सरसों लेनी है। इस चम्मच से मैंने 1.5 चम्मच सरसों के दाने लिए हैं और 1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर लिया है। सब्जी बनाने से पहले एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। लहसुन डालेंगे, अदरक को छोटा काट के डाल देंगे, हरी मिर्च डालेंगे और सरसों के दाने भी इसी में डाल देंगे। थोड़े से सरसों के दाने हम बचा लेंगे, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। अब इन सब चीज़ों को पीस कर फाइन पेस्ट बना लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से ही हमें फाइन पेस्ट चाहिए। आइए अब हम सब्जी बनाते हैं। सबसे पहले तेल गरम करने रखेंगे। मैं यहाँ पे 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल ले रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी तेल ले सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में सहजन की सब्जी बहुत ही टेस्टी यमी बनती है। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो फिर आप वो तेल ले लीजिए जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं। मीडियम फ्लेम पर तेल को करेंगे गरम। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा इसमें हम कटे हुए आलूओं को फ्राई करेंगे। आलूओं को हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस कलर चेंज होने तक फ्राई करके हम इसे निकाल लेंगे। मतलब कि इसे हमें बस 70% तक पकाना है। आलू हो गए हैं फ्राई, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देते हैं। अब हम करेंगे सहजन की फली को फ्राई। इसे भी हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। आलू और सहजन की फली को फ्राई करते वक्त फ्लेम रखेंगे मीडियम। जैसे ही सहजन की फली भी फ्राई हो जाएगी इसे भी हम एक प्लेट में निकाल देंगे। अब इसी तेल में हम वो जो सरसों के दाने हमने बचा के रखे थे वो हम इसमें डालेंगे। जैसे ही सरसों के दाने तड़कने लगे अब इसमें हम बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर प्याज को भूनेंगे। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसे कर देंगे अच्छे से मिक्स। देखिए प्याज में इस तरह से हल्दी और मिर्च पाउडर डालने से कलर कितना अच्छा निकल कर आता है। अब हम इसमें सरसों के दाने का पेस्ट डालेंगे जो हमने बनाया था। अब इसे अच्छे से भूनेंगे।
जैसे ही ये इस तरह से मसाला सूखा सा हो जाएगा, अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट डालेंगे। मैंने टमाटरों का पेस्ट बना लिया था, वो इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करके अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, एक छोटा चम्मच सेंधा नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल लीजिए। अगर आपके पास सेंधा नमक नहीं है तो आप जौन सा नमक यूज़ करते हैं वो नमक यूज़ कर लीजिए। और जिस जार में टमाटर पीसे थे उसी जार में थोड़ा सा पानी डाल के उसमें जो पेस्ट लगा होता है चारों तरफ से उसे निकाल के हम इसी में डाल देंगे। और अब इसे कर देंगे अच्छे से मिक्स। अब कवर कर देंगे और लो फ्लेम में मसालों को तेल रिलीज होने तक भूनेंगे। देखिए सरसों के दाने से बना मसाला कितना बढ़िया लग रहा है और खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। मसाला भुन गया है, अब इसमें मैं फ्राई करे हुए आलू और सहजन की फली डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें अब पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1.5 से 2 कप करीब पानी डाला है। मैं यहाँ पे सूखी वाली सहजन की सब्जी बना रही हूँ। अगर आप इसे थोड़ा ग्रेवी वाली बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 3 कप पानी डाल दीजिए। अब इसे हाई फ्लेम पर एक उबाल देंगे। जैसे ही ऐसे एक उबाल आ जाएगा फ्लेम को कर देंगे लो और इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच से थोड़ा कम गरम मसाला डालेंगे। सब्जी को कर देंगे अच्छे से मिक्स। अब इसे कवर करके सब्जी को पकाएंगे। कवर करके सब्जी को पकाते हुए 10 मिनट हो गए हैं। आइए चेक कर लेते हैं सब्जी हमारी पकी है या नहीं पकी है। एक आलू काट के देख लेते हैं। आलू इजीली कट रहा है। हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। ये रोटी के साथ खाने के लिए बिल्कुल बढ़िया बनकर तैयार हो गई है। अगर आप चावल के साथ खाने के लिए बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से थोड़ा पानी ज़्यादा डालकर ग्रेवी बनाएंगे। आप यहीं पर ही नमक भी टेस्ट कर लें। अब गैस को कर देंगे ऑफ। अगर आपको लगे कि सब्जी पकाते पकाते ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा सूख गई है तो आप इसमें थोड़ा गर्म पानी मिलाकर ग्रेवी बना सकते हैं। याद रखिए जब भी ग्रेवी वाली सब्जी में अगर ग्रेवी थोड़ी सूख जाती है तो हमेशा उसमें गर्म पानी ही ऐड करें। ठंडा पानी डालने से हमारी सब्जी के टेस्ट का बैलेंस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसलिए गर्म पानी का ही यूज़ करें। आइए अभी सरसों वाली मसालेदार सहजन की सब्जी को सर्व करते हैं। आप भी एक बार ऐसे सरसों वाली मसालेदार सहजन की सब्जी बनाएं, ऐसे स्वाद के साथ साथ इसमें मौजूद पोषक तत्वों का लाभ उठाएं। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई हो। इस रेसिपी के रिगार्डिंग अगर कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे से ज़रूर शेयर करें। तो जल्दी मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।